आइए फरमाइशें की ओर से ये जो गुलजार जी का कार्यक्रम है उनके गीतों का, जब किसी कवि के गीत का गीतों पर आधारित जब कोई कार्यक्रम होता है जो, तो मैं उसको एक बहुत अच्छा उत्सव समझता हूँ, शब्दों का उत्सव। तो ये शब्दों का उत्सव है। और वैसे तो हम गाने सुनते रहते हैं यूट्यूब पर, इधर उधर कॉन्सर्ट्स में सुनते रहते हैं, लेकिन जब कवि का कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी एक विशेषता होती है, उसकी एक विशिष्ट, उसकी एक उसका एक महत्व होता है। गुलजार जी आप जानते हैं, गुलजार जी के जहन में दो तीन बातें बहुत सालों से हैं, और बतौर कवि उनको अगर हम असेस करें तो ये बातों पर हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक पहली बात तो ये है कि वो पार्टीशन, देश की तकसीम, विभाजन से बड़े दुखी हुए हैं, जैसे करंदीकर जी भी दुखी हुए थे। उन्होंने कहा था बहुत बड़ी गलती हुई देश का विभाजन, और गुलजार जी उस वहाँ पर मतलब पार्टीशन से उनको पूरी फैमिली डिसलोकेट हो गई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ आना पड़ा और दिल्ली में रहने लगे। इनकी माता जी बहुत जल्दी गई। एक बार एक बात बताऊँ आपको, वो और मैं ट्रैवल कर रहे थे औरंगाबाद में, तो उन्होंने मेरी माँ की तबीयत के बारे में पूछा, तब वो ठीक नहीं थी उसकी तबीयत, तो मैंने बताया मेरी माँ अच्छी है, ठीक है वो ऐसा, और अनायास मैं पूछ बैठा कि मैंने कहा आपकी सफलता आपकी माता ने देखी या नहीं देखी। तो मैंने कहा देखी तो होगी, अचानक मेरे अपने आंधी। तो वो सामने की सीट पर बैठे थे, वो मुड़ गए और बहुत शांति से बोले, मैं सिर्फ 2 साल का था जब मेरी माँ गुजर गई, तो मुझे लगा अगर धरती फट जाए और मैं अंदर जाऊँ तो कितना अच्छा हो। फिर रुके और बहुत शांति से बोले, मुझे उनमें जो एक सुकून है उनमें, ही इज एट कम्फर्ट विथ हिमसेल्फ, बहुत शांत है वो। तो बोले मुझे मेरे माँ की शक्ल याद भी नहीं है। तो कोई मेरी मौसी थी या कोई एक महिला थी जो रहती थी बाजू में ही, तो घर के लोग बोलते थे जाओ वो महिला को देखो, तुम्हारी माँ वैसी दिखती थी। तो बोले मैं उस महिला को जाकर देखता था और सोचता था कि अच्छा तो मेरी माँ ऐसी दिखती थी। अब ये एक आदमी का ये कट जाता है ना, एक बड़ा एरिया। दूसरा फिर जमीन से कट गया आदमी पार्टीशन के कारण, वो ही नहीं हजारों लाखों लोग, ये समय का खेल है। उन्होंने उस वक्त कहा ये समय का खेल है, और उसको कैसा देखना है हमको, तो ऐसा देखना है आने वाला पल जाने वाला है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, देखिए सुनिए, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। फिल्म गोलमाल का गीत सुनते हैं। मासूम सी कली हो खिलते हुए
दुनिया तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो किसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। गाना आज तक 1,30,00,000 लोगों ने YouTube पर सुना है। हाँ, ये YouTube बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं बाकी सब चीज़ों का सख्त मेरा विरोध है, ट्विटर फेसबुक में केस का प्ले तो कह पहला बाजरा हुआ इसका केस का जैसे लोकान संगाला का आपली सगळी माहिती सांगत बसायची मी हे केलं ते केलं। माझ्या लहानपणी गिरगावात वाढलो मी तिकडे बिचाऱ्या म्हाताऱ्या बायका चाल बसते की आपल्या सुनेच्या याच्या त्याच्या गॉसिपिंग करतात म्हाताऱ्या गॉसिपिंग करतात। तुम्ही काय करता इंग्लिशमध्ये तेच करता ना, गॉसिपिंगच करताय ना। बट यूट्यूब आय लाईक, यूट्यूब पे अख्तरी बाई है, यूट्यूब पे सलामत अली नजाकत अली हैं, सब हैं। तो ये गाना यूट्यूब पर बहुत चला। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि खुद गुलजार जी में वो एक समय की धारा के साथ चलने का है, उनमें एक बहुत फक्कड़पन है। हमन का यार है दिल में, हमन को बेकरारी क्या, कबीर का है ना कि मेरा यार मेरे दिल में ही है तो मैं काय को रेस्टलेस रहूं, मैं तो खुश हूं। तो वो जो यार दिल में है वो कविता है उनकी। और मुझे उनकी एक बात बहुत, उनकी सभी बातें मुझे पसंद है लेकिन एक बात मुझे बड़ी भेदक लगती है, वो ये कि उन्होंने अपना संपूर्ण सिंह कालरा ये व्यक्तित्व पूरा ख़त्म कर दिया। इसको बहुत ताकत लगती है। बड़े परिवार से हैं, भाई बहुत थे, पिता ने 3 शादियां की थी, वो सब बच्चे थे, बड़ा परिवार था, सब भाई अच्छे थे। ये मुंबई आ गए, मुंबई में एक भाई थे इनके, उनके साथ रहे, फिर वो बोले कि नहीं अब मैं अकेला रहता हूँ। ये अकेला रहना, हाँ, लोकतंत्र में अनेक वचन होता है, अच्छी बात है लोकतंत्र अनेक वचन, लेकिन अंततो गत्वा हर व्यक्ति इंसान ये अकेला रहता है। तो एकाकी नसतो तो एकटा असतो, आणि हे एकटेपण त्याला अत्यंत आनंददायी आणि अर्थपूर्ण त्याच्या आयुष्याला रसवत्ता गुणवत्ता आणि अर्थवत्ता बहाल करणारं एकटेपण असतं। त्याच्यातून ही कविता येते, रुके रुके से, थँक्यू, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार ले के तेरे दर से बेकरार चले। फिल्म मौसम, संगीतकार मदन मोहन। Thank you.
1970 में इनकी पहली पिक्चर आती है, मेरे अपने आती है, फिर अचानक आती है। तो ये माना जाना चाहिए कि ये सर्वथा उचित होगा अगर हम कहें कि ये 70s के प्रोडक्ट हैं। और 70s में मुंबई अपना ये खो रही थी पुराना, उसके जो पेंच थे वो ढीले हो रहे थे, और मुंबई में बिल्डरों का, अंडरवर्ल्ड का वो खेल सब शुरू होना शुरू हो गया था, और मुंबई की जो एक चैतन्यमय जो मुंबई का रूप था वो जो मैंने बचपन से देखा है वो जाने उसको कुछ उस पर खराशें आ रही थी। तो ये मुंबई उनके दिमाग के सामने थी। ये पैदा हुए कश्मीर के पास किसी पहाड़ी इलाके में, किसी गांव में, फिर ये दिल्ली आए और दिल्ली से मुंबई आए, मुंबई से पूरी तरह से ये समरूप हो गए, एक रूप हो गए। और मुंबई का ये जो रूप था वो जो बहुत अच्छा शेर है, एक तो आप जानते हैं सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, वो तो गमन की गज़ल है। लेकिन एक दूसरा है, कैसे मंजर सामने आने लगे, हे कोणतं दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर मी पाहतो आहे, कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। कल परसों तो गा रहे थे, अचानक सब चिल्लाने लगे। तो एक तरफ हे टुटलेपण, एक तरफ हा विषमवाद स्वतःशीच, एक तरफ आत्मवंचना खुद की, एक तरफ महंगाई, जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, ये जो माहौल था उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा। और फिल्म घरौंदा उनके मित्र भीमसेन जी की फिल्म थी, इसके लिए उन्होंने गाना लिखा, दो दीवाने शहर में आबोदाना ढूंढते हैं, मधुरा जी और ऋषिकेश जी, बहुत सुंदर गाना है घरौंदा फिल्म से। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी, दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते आशियाना ढूंढते, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबदाना ढूंढते हैं काशियाना ढूंढते हैं, दो दीवाने। भुलैया गलियों में अपना भी कोई एक घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की, खिड़की पे खुला अंबर होगा, भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई एक घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की, खिड़की पे खुला एक घर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं काशियाना ढूंढते, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं काशियाना ढूंढते हैं, दो दीवाने। जमी पर तारे और जमी पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमी पर जलते हैं, आकाश जमी हो जाता
उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यही सो जाता है। जब तारे जमीन पर चलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यही सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आँखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। साबुदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। साबुदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने, दो दीवाने, दो दीवाने, दीवाने, हाँ दो दीवाने। देखिए कैसे उनकी लिखने की रेंज मैं आपको बताऊं। वो प्यार के गाने लिखते हैं जैसा है, इसका एक सैड वर्शन भी है इस गाने का, जो भूपेंद्र जी ने गाया, अमोल पालेकर जी स्क्रीन पे गाते हैं। एक ही गाने को दूसरा एक प्रोफाइल से उसको देखना, थीम एक है लेकिन उसका रूप बदल जाता है। ऐसे दो गाने एक ही फिल्म में है, ये भी उन्होंने किया है। इन्होंने बच्चों के गाने लिखे हैं, लकड़ी की गाड़ी, गाड़ी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, शायद बहुत से लोग यहाँ पर वो गाना सुन के बड़े हुए होंगे। फिर चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, पूरा का पूरा इतवार जो था वो बच्चे वो गाना गाते थे। और बड़ी अच्छी इमेज थी वो कि चड्डी पहन के फूल खिला है। जो शब्द लिखने को शायद अच्छे अच्छे शायर शायद हिचकिचाते वो सहज जैसे, क्योंकि वो अपनी सहज भाषा का शब्द है वो। तो ये जो इनकी रेंज है, और हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्ज़ाम न दे। ये गाना जब उन्होंने लिखा तो ये गाना धर्मेंद्र जी के लिए था, खामोशी में, जो वहीदा रहमान के प्रियकर हैं और फिर बाद में वो छोड़कर चले जाते हैं। मगर हेमंत दा ने जब उसको तर्ज लगाई तो हेमंत दा बोले कि ये गाना हम लता जी से गवाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा उनकी आवाज़ में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये लड़के का गाना है, बॉय का गाना है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो बोले नहीं लेकिन लड़का नहीं बोलेगा ना, मतलब लड़की नहीं लड़के को बोलेगी तेरी महकती खुशबू। लड़का हरदम लड़की की सुंदरता की तारीफ करता है, लड़की नहीं करती है। बोले नहीं लता जी गाएंगी तो लड़का लड़की भेद निकल जाएगा। सचमुच बात है, वो लता जी गाती है। तो गुलजार जी ने एक जगह बहुत अच्छा कहा है कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। ये जब लता जी गाती हैं तो दोपहर को भी लगता है कि रात है और आसमान में चांदनियां हैं। तो ये कमिंग फ्रॉम हिम, दिस इज रिच प्रेज एंड वेल डिजर्व्ड। तो ये इस तरह के गानों के अलग अलग उन्होंने मेरे अपने में एक ये दी है, लोरी। अब लोरी नॉर्मली कैसी होती है, आम तौर पे वो बच्चे को सुला दिए, माँ तो उसकी एक बीट होती है, एक मीटर होता है। ये बिल्कुल अलग लोरी है जो फिल्म में नहीं है लेकिन जिसकी रिकॉर्ड हुई है। वो चांद रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात। रात को भिखारिन बनाया है और चांद को उसका कटोरा बनाया है, और ये लोरी जैसा गाना है। और उन्होंने समूह गीत भी लिखे हैं, और समय जैसा बदला वैसे समय की धारा को, समय के रिदम को, समय के बीट को समझते हुए वो ऐसा भी गाना देते हैं, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। नहीं सीटी नहीं बजेगी। Da, 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 da
खड़दा 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 ता था ता था ता था ता की ता तू मेरे चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरे चैन वैन सब उजड़ा तुमचा लोकशाहीचा अनेक वचनी प्रयोग आहे मी एकाकी आहे त्यामुळे मी गप्प बसते बहुत बढिया गाना है बहुत बड़ी बहुत सुंदर गाय
बहुत बढ़िया, तगड़ा गाया, तगड़ा, बहुत तगड़ा गाया। बेसिकली सिचुएशन को वो डायरेक्टर से, किसी दूसरे की फिल्म हो तब भी वो डायरेक्टर उनके घर जाते हैं और वो बहुत दिन बहुत देर उनसे बात करते रहते हैं। फिर थोड़ा ये शब्द होता है, एक शब्द आता है दिमाग में, तो अच्छा इससे शुरू करें क्या, फिर नहीं वो नहीं, अच्छा ऐसा करें, लेकिन वो सिचुएशन को समझ लेते हैं। वो दो नियम, दो कानून वो पालते हैं जब वो दूसरे के लिए गाने करते हैं। एक तो वो उनसे पूरी स्क्रिप्ट और गाने की सिचुएशन क्या है वो समझ लेते हैं, निर्देशक के साथ बहुत देर चर्चा करते हैं, यानी करीबन एक गाने के लिए एक 10-12 दिन सेटिंग्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कौन गा रहा है, कैरेक्टर कैसी है, प्रसंग क्या है, और फिर वो उनको कहते कि आपके दिमाग में और क्या है। अब कोई अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर होगा तो वो कोई सजेस्ट करता है, भाई एक लाइन ऐसी हमको अच्छी लगी है। रहमान जी कभी कभी सजेस्ट करते हैं कि ये, या एक बार रहमान जी ने उनको कहा कि आप ये गाने में सनम शब्द यूज करिए, सनम। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन सनम शब्द यूज नहीं करूंगा। बोले क्यों? इतना घिसा पिटा है, इतना घिसा पिटा है, इतना क्लिशे बन गया है कि अब मुझे उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो उन्होंने उनको कहा नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सनम शब्द इस गाने में यूज करें। तो बोले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे सनम से छुड़वाओ, मैं नहीं लिखने वाला हूं। तो इस प्रकार से गाने का, अब देखिए ये जो गीत उन्होंने लिखा है ये रोमांटिक गाना है, मगर उन्होंने शब्दों का खेल कैसा किया वही गाना भी आप सुनने वाले हैं। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। ये पहला अंतरा हुआ। अब दूसरा अंतरा इन्होंने यहाँ का शब्द यहाँ कर दिया है, मेरा ख्याल है अभी झुकी झुकी निगाह में, पहले कहा था झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, अब कह रहे हैं मेरा ख्याल है अभी, पहले था, क्योंकि राजेश खन्ना अपनी पहली प्रेसी के बारे में बात कर रहा है। अब वो मेरा ख्याल है अभी, अब वो वहीदा जी के बारे में बात कर रहा है, मेरा ख्याल है अभी झुकी झुकी निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी दबी सी चाह में, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो। ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहीदा जी मेरे साथ हो जाएंगी। फिल्म खामोशी, संगीतकार हेमंत कुमार, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास मैं सोचता था मेरा नाम
कुछ अजीब थी। ऐसा ही एक बहुत प्यारा गाना किशोर दा ने गुलजार जी का लिखा हुआ, सलीलदा का संगीतबद्ध किया हुआ, कोई होता मुझको अपना हम अपना कह लेते यारो। उसकी ये दोनों गानों की तासीर कुछ सरीखी है। ये क्या है, इसमें दुख का सुर है लेकिन वो बड़ा मंद है, और ये मंद सुर बड़ा अच्छा लगता है। पाऊस कधीचा पड़तो झाडांची हलती पाने, हलकेच जाग मजाली दुखाच्या मंद स्वराने। आपण दुःखाला घाबरतो कारण ते दुःख जेव्हा रडत भिकत येतं छाती पिटत तेव्हा ते नकोसं वाटतं। ते जर खडकातल्या पाण्यासारखं आतल्या झिरपत असेल तर ते बरं वाटतं, छान असतं ते। तो गुलजार जैसा शायर ये कोशिश करते रहता कि ह्यूमन इमोशंस को मैं पकडूं। जैसा पारा पकड़ते हैं ना, पकड़ना मुश्किल जाता है, शब्दों में पकड़ा जाता है, लेकिन शब्दों का चयन कैसा किया जाए। कोई होता मुझको अपना हम अपना कह लेते यारो, हाँ। तो वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। ये उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रयोग किए हैं, बहुत प्रयोग किए उन्होंने। एक गाने में सपनी ऐसा शब्द, कल रात को देखी एक देखा एक सपनी, सपने में आई लता अपनी, शायद गोलमाल में ही गाना है वो। और ये गाना भी आप सुनिए, इसमें शब्द था तो उस पर से बहस हुई। आर डी बर्मन बोले ये शब्द निकाल डालो, दीदी नहीं गाएंगी, दीदी को ऐसे भद्दे शब्द गाया हुआ अच्छा नहीं लगता। वो गाना भी आप सुनेंगे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, और एक अंतरा है, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। तो आर डी बर्मन बोले बदमाशियाँ निकाल डालो, दीदी आएगी तो डांटेगी, उनको ऐसे शब्द नहीं अच्छे लगते। तो उन्होंने कहा रख के देखेंगे। फिर दीदी आई रिकॉर्डिंग को तो गाना थमाया उनको, तो उन्होंने कहा ये कैसी लाइन लगी, तो बोले ये तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं। आइए ये गाना सुनते हैं, मधुरा जी और ऋषिकेश जी से, घर पिक्चर का गाना है। आपसे भी खूबसूरत
आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। जैसे गानों में ही प्रयोग करते रहे, वैसे सिनेमा में भी प्रयोग करते रहे। सिनेमा में वो बेसिकली मुझे लगता है कि उनको एक चीज़ से बारंबार उनके दिमाग में वो ख्याल तैरता होगा, और वो यानी वॉयलेंस, वॉयलेंस ऑफ एनी काइंड। तो आप मेरे अपने देखें उसमें वॉयलेंस है, आप अचानक देखें उसमें वॉयलेंस की थीम है, हल्की हल्की माचिस देखें उसमें वॉयलेंस की थीम है, और जिन मानवीय संबंधों के बारे में फिल्में निकाली हैं उसमें भी कहीं तो भी ऐसा है कि एक दूसरे को कष्ट दे रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, वो वॉयलेंस है। और दूसरी तरफ इंसान कितना अच्छा हो सकता है, उसके लिए वो क्या क्या कोशिशें करता है, ये भी उनके फिल्मों में बड़ा अत्यंत मनोज्ञ त्यांची मांडणी सिनेमाची असते आणि त्यांच्या गाण्यांची असते। जिस इंसान ने कहा था सलील दा को कि मुझे सिनेमा में आना नहीं है और सिनेमा के गाने लिखने नहीं है, मैं मेरा अपना लिखते रहूँगा, वो छपते जाएगा, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो इंसान को 20 फिल्मफेयर के लिए फिल्मफेयर मिलना उसमें से बहुत बड़ी बात है। और फिर सिर्फ फिल्मफेयर नहीं, उनको ऑस्कर भी मिला वो स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने के लिए। तो मैंने उनको ज़रा देरी से मैं मिला उनको, तो मैंने कहा मुबारकबाद, मैंने कहा आप जा रहे हैं, बोले नहीं, मैंने कहा क्यों, बोले मेरे पास काले रंग का कोट नहीं है, वहाँ पे काले रंग का कोट पहनना पड़ता है। तो वो बड़े, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा काला कोट नहीं है, बोले मुझे नहीं पहनना है। तो
तो उन्होंने कहा नहीं काला कोट पहनना पड़ेगा। तो मैंने कहा काला हमारे यहाँ अशुभ मानते तो मैं आता ही नहीं हूँ। इसको बोलते पोएट। पोएट आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक लोकसभा है, संसद है, अच्छी चलती है, पढ़ते हैं पेपर में, चलता है वहाँ पे। लेकिन एक पार्लियामेंट होती है, वो दुनिया के सब अच्छे अच्छे कवियों की, उस पार्लियामेंट में भारत के प्रतिनिधि गुलजार जी हैं। बहुत अच्छा गाना, ऋषिकेश जी बहुत अच्छी तरह से उसको निभाएंगे मुझे उम्मीद है। चप्पा चप्पा चरका चले। चप्पा चप्पा चर खचले, ओए चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे आनी बानी यार अदरी, बानी बानी बेरी उदले। चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे आनी बानी यार अदरी, बानी बानी बेरी उदले। यारा बे चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। हरे गोरी चट खोरी जो कटोरी से खिलती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चट खोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। एक अच्छी मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले, भाई चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे झूठी मुठी मोइने, हाय हाय मोइने, झूठी मुठी मोइने रसोई में पुकारा था। अरे लोहे के चिमटे से लिपटे को मारा था। झूठी मुठी मोइने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे को मारा था। ओए दीवा तेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे आनी बानी यार अदरी, बानी बानी बेरी उतले। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी, विवाह विवाह वे है। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी, पानी में जलता चराग लगती तेरी याद ना टले। चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे गोरियों के पैरों तले, पीली पीली मेहंदी जले। चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले। अरे आनी बानी आरिया तेरी, बोली बोली बेरी अदले। चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले, होय चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले, चप्पा चप्पा चर खचले।
इन्होंने ये ऐसे गानों में पंजाब और ईस्टर्न यूपी के कलोक्वियल बोली भाषा का उपयोग बहुत किया है। इस पर थोड़ा विचार हम कभी तो भी करेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे शब्द जो है, बेरिया तले, औने पौने, ये पंजाब के और ईस्टर्न यूपी के, हरियाणा के बहुत से, इन्होंने हिंदी सिनेमा में, ये इनकी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ इनका योगदान ये है कि इन्होंने एक नया लिंगो लाया। और वो जो नया लिंगो था वो 2000 के बाद के जो सिनेमा है उसके लिए वो बड़ा उपयुक्त साबित हुआ है। ये गुलजार जी का खुद का ये इवॉल्व होना, संक्रमित होना, अपने आप को नित्य नया रखना और नए लोगों के साथ जोड़ना, उसके लिए अपने आप को तरोताज़ा रखना, ये एक बहुत अच्छे कवि का लक्षण है। हम पिछले 2 घंटों से उनकी कविताएं सुन रहे हैं और उनको हम मान वंदना दे रहे हैं। मैं गुलजार जी का वर्णन हरदम करता हूं कि वो नीलकंठ है। जैसे महादेव ने यहाँ पर जहर पकड़ के रखा, वैसा गुलजार जी सारे ज़माने का कालकूट यहाँ पर पकड़ के रखते हैं और फिर वो गाते हैं तो उसमें की कविताएं लिखती हैं। वो गालिब साहब को बहुत मानते हैं। अंतिम गाना घोषित करने के पहले मैं गुलजार जी ने गालिब साहब को जो ट्रिब्यूट दिया है वो 6 लाइन की कविता पढ़ता हूँ और फिर हम अंतिम गाने की तरफ जाएं। रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैंप के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैंप के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, सुनते हैं, सिर धुनते हैं, सुन के सब अशार गजल के। समझे आप, गालिब साहब की गजल के शेर सुनकर वो जितने भी परवाने हैं वो अपना सिर धुनते हैं। क्या सुंदर इमेज है। रात को अक्सर होता है परवाने आकर टेबल लैंप के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, सुनते हैं, सिर धुनते हैं, सुन के सब अशार गजल के। जब भी मैं दीवाने गालिब खोल के पढ़ने बैठता हूँ, दीवाने गालिब मतलब गालिब साहब का कविता संग्रह, जब मैं खोल कर बैठता हूँ तो सब परवाने आते हैं टेबल लैंप के गिर्द और उनके शेर सुन के सिर धुनते हैं। सुबह फिर दीवान के रोशन सफ़ों से, वो कविता संग्रह के रोशन जिनमें आलोक है, प्रकाश आया है, ऐसे पन्नों से परवानों की राख उठानी पड़ती है। पूरी रात परवाने जल जाते हैं वो शब्दों के कारण, तो उनकी राख पन्नों पर पड़ती है, वो मुझे साफ करनी पड़ती है। ये गालिब साहब का उनको, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। विवेक परांठे का मैं जानबूझ के उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, ये सारे वादक भाइयों की टीम का और मेरे दो प्रिय गायकों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रवीण गोखले का अभिनंदन करता हूँ। आपके क्लब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके हाथ से बहुत अच्छा काम हो। इसके बाद भी अंतिम गाना सुनेंगे लेकिन कार्यक्रम का समापन यवनिका पतन से नहीं होता है, मतलब पर्दा गिरता नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि गुलजार जी संगीत, काव्य, गालिब, सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिलसिला शुरू ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम गाना आपके सामने मधुरा जी पेश कर रहे हैं। Ooh.
चाल चला लिपटी